Hello student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 4.6. बेटा 4.6 exercise मैंने वैसे तो एक दो क्वेश्चन करवा दिए थे, बाकी आपके लिए छोड़े थे, लेकिन मुझे लगा इसमें कुछ प्रॉब्लम है कुछ बच्चे को जो इनकी स्टेटमेंट नहीं बना पा रहे हैं, तो मैंने इसको दोबारा से करवाना, ठीक है। तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 1 और 2 मैंने अच्छे से करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का सम मतलब दो नंबरों का जोड़। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं, उनका जोड़ जो है वो 8 है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक नंबर बेटा उसमें से 3 है, दो नंबरों का जोड़ 8 है, एक नंबर उसमें 3 है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा बेटा? तो आप कैसे करेंगे भाई? 8 तो दो नंबरों का ही जोड़ है, बाकी तो इस 8 के अंदर कुछ भी नहीं है, दो ही नंबरों का जोड़ है इसमें, तो ठीक है। चलो छोड़ो इसको भी, ये देखो, मान लीजिए एक घर है और इस घर में 8 सदस्य रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक दो फैमिली है, इस घर के अंदर दो फैमिली रहती हैं, दो फैमिली हैं और 8 सदस्य हैं, टोटल 8 मेंबर हैं, ठीक है। तो बेटा एक जो फैमिली है ना, उसके अंदर तो 3 मेंबर हैं ओनली, ठीक है। बस इसके अंदर दो ही फैमिली रहती हैं, सिर्फ कितनी फैमिली रहती हैं? दो ही फैमिली रहती हैं, ठीक है। दो फैमिली है और 8 इसके अंदर मेंबर है, तो एक जो फैमिली है ना उसके तो घर में 3 ही मेंबर हैं, तो बाकी जो मेंबर बच गए वो तो दूसरी फैमिली जो रहती है उसी के बच गए ना। भाई एक घर में 8 मेंबर हैं, दो फैमिली रहती हैं, एक फैमिली के तो 3 ही मेंबर हैं, तो बेटा जो बाकी मेंबर बच गए वो तो दूसरी फैमिली के बचे ना। सेम हियर, तो sum of two numbers is equal to 649712, ठीक है। इसके अंदर sum of two numbers का तो आ गया, one number is एक नंबर इसमें से क्या है 492739, ठीक है। सेकेंड नंबर निकालना है आपको, फाइंड लिख दो यहाँ पे, फाइंड सेकेंड नंबर इज। आप कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर में से एक नंबर निकाल देंगे, टोटल जो फैमिली के सदस्य थे उसमें से एक जो फैमिली के सदस्य थे उसको हटा दिया, 3 सदस्य बाहर हो गए थे, 5 सदस्य और बच गए ना, वो दूसरी फैमिली के बचे। हमने वहां पे क्या किया? माइनस किया, घटा किया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? घटा करेंगे, टोटल में से एक जो फैमिली है उसको हटाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया? माइनस किया। अब यहाँ 2 से 9 नहीं जाएगा, कैरी दिलाई इसको, 12 में से 9 आराम से जा सकता है, कितने बचेंगे? 3। यहाँ पे 0 हो गया। अब जी यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये वाला कैरी देगा। अब 10 में से 3 गए, 7 बचेंगे जी। 6 में से फिर 7 नहीं जा सकता, यहाँ से फिर इसने कैरी दिलाई। 16 में से 7 जा सकता है जी, 16 में से 7 गए तो कितने आएंगे? 9, ठीक है। अब यहाँ पे 8 बच गए, 8 में से 2 गए, 6 बचेंगे। 4 में से फिर 9 नहीं जाएगा जी, फिर इधर से कैरी दिलाई। फिर 14 में से 9 जी आराम से जा सकता है, कितने बचेंगे जी? 5 बचेंगे, 5 में से 4 गए, 1 गए, ठीक है। तो सेकंड जो नंबर था वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4th है, टू कैंडिडेट कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शंस 83,498 वोट्स वर प्लॉटेड इन ऑल। ये कहता है कि दो कैंडिडेट इलेक्शंस लड़ रहे थे। भाई इलेक्शन तो दो ही लड़ेंगे या फिर दो से ज्यादा लड़ेंगे, तो यहाँ इसने कहा है कि भी दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उन दोनों कैंडिडेटों की जो टोटल गांव ने वोट डाली है ना, मान लीजिए दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन गाँव ने जो वोट डाली है ना वो कितनी वोट है? वो बेटा 83,498 वोट है, टोटल वोट हो गई ये, ठीक है। तो इसमें से कुछ वोट आपकी फेक भी निकलेंगी, खराब हो चुकी जो, ठीक है। इसमें से कुछ वोट खराब भी निकलेगी, ठीक है। कुछ वोट एक आदमी लेगा और कुछ वोट उसमें से दूसरा कैंडिडेट लेगा,
तो वोट इस 83,000 में तीन हिस्से बनेंगे, एक तो जो वोट खराब हो चुकी हैं भाई, जो गलती से डाल दे या फिर एक बार ही दो वोट डाल दे तो वो कैंसिल हो जाती है ना, तो कुछ वोट खराब हो जाती हैं, कुछ एक आदमी लेता है क्योंकि दो आदमियों को वोट मिल रहे हैं ना, तो दो वो आदमी और एक वोट वाली खराब, तो तीन हिस्से बनेंगे ना 83,000 के। तो हम देखेंगे हमारे पास कितने हिस्से इसने दिए हुए क्वेश्चन में, तो देखिएगा टोटल वोट, टोटल वोट कितनी है, ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा है 49,689 वोट्स वर प्लॉटेड इन फेवर वन कैंडिडेट, एक जो आदमी था उसने 49,689 वोट लिए हैं, तो वन कैंडिडेट वोट्स, वन कैंडिडेट वोट, वन कैंडिडेट के पास कितनी वोट है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ वोट इसने इनवैलिड दी, इनवैलिड वोट, आपको दूसरे कैंडिडेट की वोट निकालनी है तो बेटा इनवैलिड जो वोट थी वो भी तो इन्हीं वोट में थी, इसी में तो थी वो इनवैलिड भी, तो टोटल वोट 83,000 आई है, उसमें इनवैलिड भी है, उसमें दूसरे आदमी की भी है और उसमें पहले आदमी की भी है, तीनों है ना, तो इसने बता दिया कि पहले आदमी को इतनी मिली, इनवैलिड इतनी थी, अब बच गई 83,000 में वो सारी दूसरे आदमी की हुई ना, ठीक है। चलो मान लीजिए आप दुकान से 1 kg मैंगो लेके आए, ठीक है, इसमें से कुछ मैंगो खराब थे, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 mango थे आपके 1 kg में, राइट, इसके अंदर 2 mango खराब हो गए, ठीक है, 2 mango जो थे वो एक जो भाई बहन था, दो भाई बहन हो, दोनों के बराबर बराबर आने चाहिए, तो 2 mango, चलो 3 mango ले लिए छोटे वाले भाई ने, ठीक है, 5 mango तो हो गए, बच गया 1 mango, अब ये बताओ बड़ा वाला भाई कितने मैंगो लेगा, तो वो तो एक ही मिला उसको तो, ठीक है। आपने दुकान से 1 kg मैंगो खरीदे जिसमें से 6 जो मैंगो थे ना वो आए, उसमें से 2 mango तो आपके घर आते ही खराब निकल आए, ठीक है, उसने 3 mango छोटे वाले भाई ने ले लिए, 5 mango हो गए, तो जो खराब मैंगो थे वो भी तो इसी में आए थे, जो इनवैलिड वोट थी वो भी तो 83,000 में ही है, ठीक है, तो बेटा जो इनवैलिड वोट थी वो कितनी थी, 1,356। अब आपको क्या करना है, सेकंड कैंडिडेट की वोट निकालनी है, सेकंड फाइंड, अब यहां पे टोटल वोट करो इनकी, टोटल वोट्स तो कितने हो गए, 15, वन इज कैरी, 14, वन इज कैरी, 10, वन इज कैरी, 11, वन इज कैरी, ठीक है जी। फाइंड सेकंड कैंडिडेट वोट्स, कैंडिडेट सेकंड की निकालनी है ना, तो 83,498 में से आपको क्या करना है, जो ये टोटल वोट आई है ना इनको माइनस करना है, माइनस कर दो जी, कितने बचे, 3 बचे जी, यहाँ पे 5 बचा जी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जी 3, ये वोट इससे को सेकंड कैंडिडेट को मिल गई, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जो नेक्स्ट है ना वो कल से कराएंगे, ठीक है, आज 2 ही क्वेश्चन करवाते हैं। HW है जो एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1-4 फेयर नोटबुक, जिसने कर लिए ना वो फेयर में मत करना, वो अपनी रफ में करके देख लेना, और जिसने नहीं किए है ना बेटा वो अपनी फेयर में कर लेना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू बेटा।